ज मी अनु प्रजापति एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल ए पी एजुकेशन हब सो इन दिस वीडियो विल डिस्कस अबाउट दी शॉर्ट स्टोरी द क्रैकअप विच इज रिटन बाई एड सो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दी क्रैकअप के बारे में और ये एक स्टोरी है और जिसको लिखा है एफ स्कॉट फिट जार्ड ने सो so, हम देख लेते हैं कि हम इस uh, स्टोरी के बारे में क्या क्या चीजें डिस्कस करने वाले हैं सो विल डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन टू ऑथर एफ स्कॉट फिट देन विल डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन टू दी

एफ आर ए एन सी आई एस फ्रांसिस स्काट की ये इनका कंप्लीट नेम था एंड ही वॉज़ बॉर्न ऑन सेप्टेम्बर ट्वेंटी फोर एटीन नाइन्टी सिक्स इन सेंट पॉल मिनिस्टॉटा सो ये इनका जन्म के बारे में हमें पता है एंड ही वॉज एन अमेरिकन ऑथर रॉट नॉवल्स एज वेल एज शॉर्ट स्टोरीज सो एफ स्कॉट फिट जो है ये एक अमेरिकन ऑथर हैं इन्होंने शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी हैं और नॉवल्स भी लिखी हैं एंड ही इज़ वाइडली रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अमेरिकन राइटर्स सॉरी राइटर्स ऑफ ट्वेंटी सेंचुरी इन्हें ग्रेटेस्ट अमेरिकन राइटर्स जो भी हैं ट्वेंटी सेंचुरी के उनमें से एक माना जाता है एंड ही इज़ कंसिडर्ड एज ए मेम्बर ऑफ लास्ट जनरेशन ऑफ नाइनटीन ट्वेंटीज़ ये गाइज जो नाइनटीन ट्वेंटीज़ का टाइम था देट इज़ वेरी डिफरेंट इन अमेरिकन कल्चर और फॉर अमेरिकन राइटर्स दिस टाइम पीरियड वॉज वेरी डिफरेंट सो so, जो हमारे एफ स्कॉट फिटजारल्ड हैं इन्हें नाइनटीन ट्वेंटीज़ की जो लॉस्ट जनरेशन थी उसका भी एक मेंबर माना जाता है एंड गाइस जो फिटजारल्ड है उन्होंने टोटल फाइव नॉवल्स लिखी बट जो चार नॉवल्स थी वो उनकी कंप्लीट थी और उनकी जब वो जिंदा थे तभी पब्लिश हो गई थी बट एक नावल जो थी वो पोस्ट ह्यूमसली आफ्टर हिज डेथ पब्लिश हुई सो so, जो इनकी फोर फिनिश्ड नावल थी वो थी दी साइड ऑफ पैराडाइज दी ब्यूटिफुल एंड द डैम द ग्रेट गेट्सपी सो ये जो नावल है इनकी ये बहुत फेमस नॉवल है और इस नावल पर ही मैंने अपने कॉलेज टाइम में प्रेजेंटेशन भी दी थी तो ग्रेट गेट्सपी जो है वो काफ़ी अच्छी नॉवल है एंड टेंडर इज दाइट ये इनकी चार फिनिश्ड नॉवल्स है एंड देन एक इनकी अन फिनिश्ड नॉवल है जिसका नाम है दी लव ऑफ द लास्ट आईकून विच पब्लिश पोस्ट्यूमसली एज आई टोल्ड यू सो ये जो लास्ट वाली नॉवल है ये इनकी डेथ के बाद पब्लिश होती है सो so फिजारल रोड शोर्ट स्टोरीज एज वेल इन्होंने काफी सारी शोर्ट स्टोरीज भी लिखी है एंड इस वर्कस हैज़ बीन अडेप्टेड इन टू मैनी फिल्म जो इनके वर्क से वो काफी है वो काफ़ी सारी फिल्म भी बनाई गई हैं इनके वर्कस के ऊपर एंड रि डायड ऑन डिसम्बर ट्वेंटी वन नाइनटीन फोर्टी तो बहुत जल्दी ही इनकी डेथ हो जाती है बट उसके बावजूद इन्होंने अमेरिकन लिटरेचर में अपना एक अलग ही प्लेस बनाया है एंड रैस देखो आप में से किसी ने मुझे बोला था कि मतलब यस्टरडे ही जस्ट बोला था कि नाइनटीन्थ को आपका एग्जाम है तो मतलब कल तो मेरे पास सिर्फ एक ही दिन था और मैंने यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है इस वीडियो में दी क्रैकअप की समरी और अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो सो दैट्स ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन टू दी ऑथर नाव विल डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन टू दावल सो हियर इज द इंट्रोडक्शन टू दिस स्टोरी फर्स्ट पब्लिश इन थ्री पार्ट्स ऑफ एस्क्वायर मैगजीन इन फेब्रवरी मार्च एंड अप्रैल 1936 सो गाइज देखो जो ये स्टोरी है दी क्रैकअप ये एस्क्वायर मैगजीन में पब्लिश होती है इंस्टॉलमेंट्स में मतलब फ़रवरी में फर्स्ट पार्ट आता है मार्च में सेकेंड पार्ट आता है और अप्रैल में थर्ड पार्ट आता है इन लेटर इट वाज़ कंपाइल्ड एंड एडिटेड बाय एडमंड विल्सन आफ्टर द डेथ ऑफ एक्सकॉट फिट्स इन नाइनटीन

So F. Scott तीनों पार्ट्स के थ्रू अपनी लाइफ के कुछ वही इंसिडेंट्स हमें एक्सप्लेन करते हैं सो दिस वॉज इंट्रोडक्शन टू दि स्टोरी नाउ विल डिस्कस अबाउट दिस समरी और समरी को अच्छे से आप लोग समझ लेना तीनों पार्ट्स में यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूंगा फिर एनालिसिस भी देखेंगे सो हेयर इज दिस समरी फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑथर बिगिन दिस स्टोरी बाय ऑल लाइफ इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ब्रेकिंग डाउन बट द ब्लॉज दैट अफेक्ट यू द मोस्ट द वन मोस्ट पावरफुल डू नॉट मेक देर अफेक्ट इमिजिएटली एग्जैक्टली गाइज देखो जो पूरी लाइफ है इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन कई बार लाइफ में हम ऐसे पड़ाव पर पहुंच जाते हैं जहाँ बिल्कुल टूट जाते हैं जैसे किसी की डेथ हो जाती है या हम किसी ऐसी चीज में फेलियर मिल जाए जिसमें हम बिल्कुल नहीं चाहते थे एंड देट वॉज द लास्ट चांस सो ऐसे टाइम पर जो पर्सन होता है वो कंप्लीटली ब्रेक हो जाता है सो लाइफ इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन बट द ब्लॉस दैट अफेक्ट यू द मोस्ट लेकिन जो मतलब कि इस तरीके के हमारी लाइफ में इंसिडेंट्स आते हैं जो हमें तोड़ कर रख देते हैं लेकिन वो इंसिडेंट जो सबसे पावरफुल होता है उसका इफेक्ट कभी भी इमिजिएटली नहीं मिलता उसको हम धीरे धीरे लाइफ में रियलाइज करते हैं ओ oh शिट यार सच में ये मेरी लाइफ में मैंने बहुत बड़ी गलती की थी जैसे कई स्टूडेंट होते अपने ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट ले लेते हैं जो उनको नहीं लेना चाहिए था सो so, ग्रेजुअली uh, वो रियलाइज़ करते हैं धीरे धीरे वो चीज़ रियलाइज़ करते हैं कि ओ शिट शिटियाली मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी सो so, वो जो ब्लो हमें सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है सबसे पावरफुल होता है उसका जो इफेक्ट होता है वो हमें इमिजिएटली नहीं पता लगता जैसे जैसे टाइम बीतता है तब पता लगता है अनदर काइंड ऑफ ब्लो एज वेल कम्स फ्रॉम दी इनसाइड नोट रियलाइज अंटिल इट्स टू लेट एग्जैक्टली ये जो हमें रियलाइजेशन होता है ये अंदर से आता है कि ये मैंने गलती कर दी राइट right. सो so, कई बार हम बहुत लेट हो जाते हैं ये चीज़ रियलाइज करने में फर्स्ट डैमेज इज़ क्विक सेकेंड वन यू डू नॉट नो बट वेन रियलाइज इट इज़ एब्रप्ट एक्जेक्टली फर्स्ट जो डैमेज होता है ब्रेकडाउन जब होता है जैसे बचपन में हो जाता है कई बार बीमार हो गए एग्जाम छूट जाता है सो दैट डैमेज इज क्विक बट कई डैमेज ऐसे होते हैं जो हमें बहुत टाइम बाद रियलाइज़ होते हैं Author says before he indulges into the history of his crack up, he would like to make an observation. सो so ऑथर क्या कहते हैं कि यहाँ पर वो अपनी लाइफ के क्रैकअप बताने से पहले एक ऑब्जर्वेशन के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे इसके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देते हैं ऑथर देखो जो फर्स्ट पार्ट है उसमें ये बताते हैं कि जो क्रैकअप है बेसिकली वो क्या होता है किस तरीके से इफेक्ट करता है सेकेंड पार्ट में वो अपनी लाइफ के क्रैकअप बताते हैं तीन इनकी लाइफ में ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जो इन्हें पूरा तोड़ कर रख देते हैं थर्ड में कहीं ना कहीं वो एक सोल्यूशन एक आंसर ढूंढते हैं अपने उन ब्रेकडाउन का सो so यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन वो यहां पर हमें दे रहे हैं फर्स्ट पार्ट बिकॉज हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं ही सेज इन दंपनी ऑफ इंटेलिजेंस एंड एफर्ट लाइफ इज अफोर्डेबल एंड यील्डिंग एग्जैक्टली वो क्या कहते हैं कि जब हम इंटेलिजेंट लोगों की कंपनी में रहते हैं या जब भी हम एफर्ट्स लगाते हैं तो एफर्ट्स की जब हम कंपनी में रहते हैं तो उसका जो रिजल्ट है जो उसका फ्रूट है वो तो ही मिलेगा ना उसका result हमेशा अफोर्डेबल होगा ही सक्सेसफुल लिटरेरी मैन मे नॉट बी सक्सेसफुल और नॉटेबल एज स्टार बट ही यहाँ पर सो आना था फॉर इज ऑन सेटिस्फेक्शन एग्जैक्टली वो क्या कहते हैं कि एक लिटरेरी मैन एक राइटर जो है वो कभी भी उतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो सकता जितना एक मूवी स्टार होता है बिकॉज देखो वो स्क्रीन पर होता है उसको सब देखते हैं उसके जो स्क्रिप्ट लिखता है वो पीछे होता है उसको कोई नहीं जान पाता तो एक स्क्रिप्ट राइटर एक राइटर जो होता है वो मूवी स्टार जितना फेमस कभी भी नहीं हो सकता बट वो फिर भी ये करता है बिकॉज इस चीज से वो बहुत ज्यादा सेटिस्फाई है और खुद की सेटिस्फेक्शन सेल्फ सेटिस्फेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप खुद सेटिस्फाई हो तो औरों को सेटिस्फाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है सो सेल्फ सेटिस्फेक्शन इज मस्ट ही हैज़ टू जुविनाइल रिग्रेट्स उनके लाइफ में दो बड़े रिग्रेट फील होते हैं फर्स्ट ही वॉज नॉट बिग इनफ टू प्ले फ़ुटबॉल इन कॉलेज एक तो कॉलेज में फुटबॉल नहीं खेल पाए सेकेंड ही कुड नॉट गो टू ओवरसीज ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो देखो उन्हें ये दो रिग्रेट्स है कि कभी वो कॉलेज में फुटबॉल नहीं खेल पाए और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर वो वहाँ जा नहीं पाए After passing of 1920s, dream transformed into dreams of imaginary heroism. So 1920s के बाद जो इनके ये dream थे ना ये दोनों जो हमने अभी ऊपर देखे हैं ये transform हो जाते dream of imaginary heroism की हम imagine करते हैं ना एक तरीके से दिमाग में चलती रहती हैं वो चीजें He says बिग प्रॉब्लम्स रिजोल्व easily बट रेजोल्यूशन ऑफ जनरल प्रॉब्लम्स is डिफिकल्ट टू अचीव येस बहुत बार हमारे साथ भी होता है लाइफ में ऐसा कि जो बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं उनके सोल्यूशन तो हम चलो निकाल लेते हैं और जो बिल्कुल छोटी छोटी प्रॉब्लम होती हैं उनमें हम अटक जाते हैं सो so, ये बहुत कॉमन सी चीज़ है तो यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन हमें मिल रही है कि जो एप्स काट फिट है वो यहाँ ऑब्जर्व करके ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रही हैं सो बिग प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन फिर भी हमें मिल जाते हैं बट जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होती है उनके सोल्यूशन निकालने बड़े डिफिकल्ट हो जाते हैं दिस आइडिया कीप टू अपोजिंग आइडियाज देखो जो ये है ना कि बड़ी प्रॉब्लम के सोल्यूशन मिल जाते हैं ये आइडिया कीप अपोजिंग टू आइडियाज सेंस ऑफ ऑफ फ्यूटिलिटी एफर्ट कि या तो फ्यूटिलिटी ऑफ एफर्ट है या फिर सेंस ऑफ नेसेसिटी ऑफ स्ट्रगल स्ट्रगल करने की जरूरत है अपने आप सोल्यूशन मिल जाएगा या फिर जो एफर्ट है उनमें कही कहीं ना कहीं फ्यूटिलिटी है he lived a difficult life for 17 years and consoled himself by saying up to 49 it will be all right so वो 17 years तक बड़ी ही difficult एक life जीते हैं but वो अपने आप को कहीं ना कहीं console करते हैं कि 49 के जब तक होंगे तब तक सब सही हो जाएगा but before 10 years he reached he has cracked up there are many ways for a man to crack up so देखो जो हमारे ऑथर है हैल्ड वो सोच सत्रह सालों तक तो बड़ा डिफिकल्ट लाइफ वो जीते हैं वो सोचते हैं जब तक वो फोर्टी नाइन के होंगे लाइफ थोड़ा ठीक हो जाएगी बट बिफोर टेन ईयर्स ऑफ दैट एज फोर्टी नाइन से भी दस साल पहले थर्टी नाइन के जब वो होते हैं वो रियलाइज करते हैं कि ही हैज़ अप मतलब वो ब्रोक हो चुके हैं टूट चुके हैं और एक इंसान के लिए कई तरीके होते हैं देखो क्रैकअप ये नहीं कि हाँ हमेशा बॉडी से हो माइंड से हो क्रैक कब भी डिफरेंट तरीके के हो सकते हैं जैसे इन्होंने यहाँ पर तीन बताए हैं क्रैक इन हैड क्रैक इन बॉडी एंड क्रैक इन नर्व क्रैक इन हैड वेन वन पर्सन लूजेज द पार टू मेक डिसीजन्स है ना हम डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं यार दिमाग खराब है दिमाग में क्रैक हो गया है ना क्रैक इन बॉडी जब हम टूट फूट जाते हैं एडमिट्स टू हॉस्पिटल सबमिट्स लिख दें एडमिट्स होना था क्रैक इन नर्व वन लूज इज नर्व दिस इज द केस विद ऑथर ऑथर के साथ ये केस है उनकी नर्व में क्रैक हो गया है देखो जब हम लाइफ में ऐसे सिचुएशंस पर पहुंच जाते हैं जहां हम कुछ और अचीव करना चाहते थे और वो चीज़ अचीव नहीं कर पाते हैं तो दिमाग में वही चीज़ें चलती रहती है मेरे साथ ये चीज़ बहुत बार होती है कि जब मैं कोई चीज़ अचीव करना चाहती हूँ और वो नहीं हो पाती है तो मैं बड़ा मतलब ब्रेकडाउन सा हो जाता है कि यार ये करना था ये हो नहीं पाया है ना तो इस तरीके का जब हमारे साथ होता है दैट इज़ दी क्रैक नव और ऑथर के साथ यही केस है मतलब उनके साथ तो जो एक्सपीरियंसेस हैं वो हम आगे देखेंगे भी सो so गईस देखो रियलाइजेशन ऑफ क्रैकअप डिड नॉट कम विद अ ब्लो विद अ टेम्पररी रिलीफ जो क्रैकअप का रियलाइजेशन है वो ये नहीं है कि हमेशा तुरंत आ जाता है कई बार वो रिलीफ हम जब हो जाते हैं हम अचानक से फील हो जाता है कई बार और कई बार हम बहुत आगे आ जाते हैं उस टाइम से तब हमें रियलाइज होता है दैट वाज द क्रैक अप दैट वाज द ब्रेकिंग डाउन ऑफ मतलब वो मेरा ब्रेकिंग डाउन वाला टाइम था उस टाइम पर मैंने ये चीज़ गलत कर दी थी सो सम टाइम्स इट कम्स विद ग्लो बट सम टाइम्स इट कम्स विद अ टेम्पररी रिलीफ ही लिव्ड अ लाइफ विद स्टिडीनेस ऑफ माइंड विद मच केयरिंग इंक्लूडिंग हिज टैलेंट सो उनकी जो लाइफ है वो कुछ इस तरीके की थी एंड हिज इंस्टेंट सेज ही शुड बी अलॉन ही वॉज नॉट लॉनर देखो वो फील करते थे कि मैं बहुत अकेला हूं मैं बहुत अकेला हूँ सो so, उनका इंस्टिंग अंदर से ही आवाज आती थी हमेशा बट ही वॉज नॉट लॉनर एक्चुअली इनके साथ प्रॉब्लम क्या थी दैट ही वॉज एवरेज इन मिकसिंग विद पीपल वो लोगों के साथ मिलजुल नहीं पाते थे जल्दी से दैट वॉज द प्रॉब्लम और उन्हें लगता था कि मुझे अकेले रहना चाहिए बट मोर देन एवरेज इन आइडेंटिफाइंग हिम सेल्फ हिज आइडियाज इज डेस्टिनी नाउ ही डिज़ायर टू बी अलोन वो इस चीज़ पर नहीं सोचते हैं कि मैं इस चीज से बाहर आऊं मैं लोगों के साथ मिलजुल नहीं पाता उस पर काम करूं अपने आप को पहचानूँ अपने आइडियाज को पहचानूँ अपनी डेस्टिनी को पहचानूँ ये सोचने की बजाय वो डिसाइड कर लेते हैं कि मैं अकेला ही रहूंगा सो टाइम वॉज नॉट अनहैप्पी स्टिल ही वेंट अवे फ्रॉम दी क्राउड देखो टाइम इतना भी खराब नहीं है एक्चुअली वो क्राउड से बड़ा दूर भागते थे So instead of spending his time idly making list of football players, cavalry leaders, cities, popular tunes, women he had crushed on, people whom he let himself be snubbed by etc. and tearing them. So देखो लोगों के साथ नहीं मिलना चाहते थे लोगों से नहीं मिलते थे इन्होंने decide कर लिया था कि मैं अकेला ही रहूँगा I should live alone. ये ये decide कर लेते हैं और ये किस चीज़ में अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं ये बैठ जाते हैं लिस्ट बनाते हैं फुटबॉल प्लेयर्स की जिन विमेन पर इनको क्रश था उनकी जिन्होंने इनको डाटा उन सब की लिस्ट बनाते फिर उन्हें फाड़ देते हैं ये करते हैं इससे अच्छे लोगों से मिलते ये बात करते तो हमारा आधा मन तो वैसे ही अच्छा हो जाता है सो so, अपना ये टाइम इस चीज़ में लगाते एंड मेकिंग एंड टेयरिंग ऑफ लिस्ट वॉज वेल सुन ही रियलाइज क्रैक अप लाइक एन ओल्ड प्लेट अब देखो लिस्ट बना रहे थे उन्हें फाड़ रहे थे चलो ये भी ठीक था आप अपना टाइम यूज़ तो कर रहे हो कहीं पर भी अपने आप को इन्वेस्ट तो कर रहे हो आप अपनी उन चीज़ों से ख़ुद को बाहर निकालने के लिए कुछ तो स्टेप्स ले रहे हो चलो ठीक है बट फिर वो क्या रियलाइज करते हैं कि मैं तो ऐसे टूट गया हूँ जैसे एक पुरानी प्लेट और जो प्लेट है जो डिश है मतलब एक प्लेट है वो टूट गई है उसे आप कैसे जोड़ोगे अब उन्होंने अपने आप को कंपेयर कर लिया एक ओल्ड प्लेट से ही रियलाइज इन द लास्ट टू ईर्स ही डिप्राइव्ड हिमसेल्फ एवरीथिंग ही लव्ड इन ऑर्डर टू प्रिजर्व समथिंग डीप इन साइड अब देखो बाद में जाकर ये रियलाइज़ करते हैं कि पिछले दो सालों में मैंने खुद को उन सब चीज़ों से दूर रखा जिनसे एक्चुअली में मैं प्यार करता था एवरी थिंग ही डिड बिकम एंड एफर्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम ही डिड नॉट लाइक द पीपल एंड थिंग्स ही प्रिटेंड टू लाइफ दैम और बड़े लंबे समय तक ये फिर क्या करते हैं उन चीजों को लाइक करने का प्रटेंट करते हैं जिनको एक्चुअली में वो लाइक करते ही नहीं है मतलब प्रटेंट करते हैं वाओ वाओ ये कितना अच्छा है बट इन अंदर से उनको ये चीज पसंद आ ही नहीं रही है डिड नॉट लाइक पीपल एंड थिंग्स बट वो प्रटेंट करते हैं कि बड़ी अच्छी है ऑथर लाइक्स मोस्ट ऑफ द मिड वेस्टर्नस बट स्लाइटेस्ट ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एग्जैक्टली देखो उन्हें जो ये मिडवेस्टर्न है ये बहुत सही लगता है बट उन्हें रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से प्रॉब्लम है He did not every kind of people. ही डिड नॉट हिट एवरी काइंड ऑफ पीपल उन्हें सभी लोगों से नफरत नहीं है ही लाइक फ्यू कैटेगरीज उन्हें कुछ लोग अच्छे भी लगते हैं डॉक्टर्स हो गए गर्ल्स हो गई चिल्ड्रेन अप टू सॉरी गर्ल्स चिल्ड्रेन अप टू एज ऑफ थर्टीन तेरह साल तक की जो लड़कियां होती हैं वेल ब्रॉट अप जो बॉय हैं ओल्ड मैन कैथरीन हैरियम हॉपकिंस एंड ओल्ड फ्रेंड्स ये उन्हें अच्छे भी लगते हैं ऐसा नहीं है कि वो सब लोगों से दूर रहते हैं सबसे नफरत करते हैं ये कुछ चीज़ें हैं जो उन्हें अच्छी भी लगती है एक्चुअली क्या होता है जब एक पर्सन अंदर से टूट जाता है तो वो इस तरीके की चीज़ें बड़ा रियलाइज़ करता है कि ये बहुत बुरा है मुझे इसके साथ नहीं रहना चाहिए ये ऐसी ही चीज़ है ऐसी चीज़ है एक्चुअली वो उस टाइम पर ऐसा हो जाता है कि वो हर चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचता है है ना हर चीज़ को सोचने में लगा रहता है तो उस टाइम पर इंसान के मन में इस तरीके की फीलिंग्स आना स्टार्ट हो जाती हैं एंड ही एक्नोलॉजी दैट द ही हैज़ पेंटेड इज़ नॉट प्रिटिंग अब उन्हें रियलाइज हो रहा है कि जो ये पोर्ट्रे उन्होंने दिया है इट इज़ नॉट प्रिटी देन ही टॉक्स अबाउट अ वीमेन इन द रोल ऑफ अ जॉब्स कम्फर्टर ही हैड अ कॉन्वर्जेशन विद अब देखो जॉब्स कंफर्टर यहाँ पर एक विमेन है जो कि बुक ऑफ जॉब में थी उसका यहाँ पर जिक्र हो रहा है कि जो जॉब की कंफर्टर थी उसके साथ यहाँ पर ये कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं एंड शी आज डिम टू स्टॉप फीलिंग सॉरी फॉर हिमसेल्फ एग्जैक्टली मैंने बोला ना कि जब एक बंदा परेशान होता है वो हर चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है तो जो ये वीमन थी जिसने जॉब को कंफर्ट दिलाया था यही यहाँ पर इससे कॉन्वर्जेशन कर रही है और क्या कहती है कि सबसे पहले तो खुद के लिए सॉरी करना बंद करो स्टॉप फीलिंग सॉरी फॉर हिमसेल्फ एंड सजेस्टेड द आइडिया दैट इट इज पॉसिबल दैट इट माइट नॉट बी हिज क्रैकअप बट द क्रैकअप ऑफ ग्रैंड कैनियन कि सोचो तुम्हारा ये क्रैकअप है ही नहीं हमेशा इतना ज़्यादा क्यों सोचते रहते हो हर चीज़ के बारे में बस सोचते हो सोचते हो तो और ज्यादा हम उस चीज़ में घुस जाते हैं बट ऑथर टोल्ड इट वॉज इज ऑन क्रैकअप ऑथर क्या कहता है कि नहीं ये किसी और का नहीं मेरा खुद का क्रैकअप है खुद का ब्रेक डाउन है वुमेन एक्सप्लेन वर्ल्ड इज वॉट पीपल वॉन्ट इट टू बी एग्जैक्टली ये लाइन गाइज अपनी लाइफ में हमेशा याद रखना वर्ल्ड इज वॉट पीपल वॉन्ट इट टू बी देखो सबके लिए वर्ल्ड कभी भी एक जैसा नहीं हो सकता आप चाहते हो वर्ल्ड बहुत खूबसूरत है लगेगा जब आप सैड होते हो ना मतलब मैंने ये चीज़ पर्सनली रियलाइज़ की है कि जब मैं बहुत ज़्यादा सैड होती हूँ या कुछ ऐसी चीज़ होती है जो मुझे अच्छी नहीं लगती है एंड देन आई लुकड एट दी नेचर तो मुझे खुद सेड हूँ ना तो मुझे नेचर भी बहुत सेड सेड लगता है पेड़ है उन्हें एनालाइज़ करती हूँ यार वो तो हिल ही नहीं रहे हैं पत्तियाँ हिल ही नहीं रही हैं है, कि मतलब जो नेचर है वो भी सैड हो गया बट तो एक्चुअली ऐसा होता नहीं है तो वर्ल्ड इज़ व्हाट पीपल वांटेड टू तो बी अगर आप खुश हो आप देख रहे हो हर चीज़ को खुशी से आपको हर चीज़ खुश लगेगी आप खुद दुखी हो आप देख रहे हो कुछ भी आपको खुद ही वो चीज दुखी लगने लग जाएगी सो so, ये जो यहाँ पर लाइन है ना इट इज वेरी वेरी एक्यूरेट बी बेटर टू से दैट द क्रैक इज इन ग्रैंड कैनियन नॉट हिम इसीलिए वन कहती है कि तुम ये चीज मत फील करो बल्कि बोलो कि क्रैक मेरे में नहीं उस चीज में है ग्रैंड कैनियन में और जिन्हें ग्रैंड कैनियन का नहीं पता वो गूगल पर जाकर सर्च करना मिल जाएगा मतलब ग्रैंड कैनियन क्या है ना मतलब एक रिवर टाइप पहाड़ वहाड़ बने हुए हैं रेड रॉक्स वहां पर है कि मतलब उसमें क्रैक है तुम्हारे में नहीं है इस तरीके का यहाँ पर वुमेन उसको एक्सप्लेन करती है शी टोल्ड हिम द डिफिकल्टीज एंड प्रॉब्लम्स एंड शी ओवरकेम वो क्या बताती है अपनी खुद की लाइफ की डिफिकल्टीज के बारे में बताती है प्रॉब्लम्स के बारे में बताती है और बताती है कि किस तरीके से उन, उसने उन प्रॉब्लम्स को फेस किया और ओवरकम किया the first part of the essay ends with the author saying he could leave her place and go away into the world of bitterness so देखो फर्स्ट पार्ट यहां पर ऑब्जर्वेशन था बेसिकली वो बताते हैं क्रैकअप होता क्या है किस तरीके से रियलाइज होता है और उस women के साथ थोड़ा conversation करते हैं और वो किस तरीके से end करते हैं इसको कि अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए एक बिटर वर्ल्ड में जहाँ पर वो अपने खुद के जो क्रैकअप एक्सपीरियंसेस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे सो हियर इज द सेकंड पार्ट दिस पार्ट बिगिंस ऑथर से प्रीवियस आर्टिकल वॉज अबाउटर्स रियलाइजेशन दैट इज एक्सपेक्टेशन फॉर हिस्स फॉट इज डिड नॉट टर्न आउट एज ही थाट मैंने आपको कहा ना वो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि उनके जो एक्सपेक्टेशंस थी वो नहीं फुलफिल हो पाई वही चीज ऑब्जर्व करके वही चीज रियलाइज करके वो हमारे साथ पिछले पार्ट में डिस्कस करते हैं नाउ सम थॉट ऑथर टचड टू मैनी एस्पेक्ट विदाउट सीरियसली कंसिडरिंग दैम अदर कंसिडर्ड हिज सेल्फ रिविलेशन कंटेम्पटेबल एज इट डिड नॉट एंड द आर्टिकल विद द नॉबल थैंक्स टू गॉड बट ऑथर सेज ही थैंक गॉड फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट एनी रीजन कुछ लोग क्या कहते हैं कि जो ऑथर है मतलब वो सेल्फ रिविलेशन कर रहा है और मतलब पूरे इसमें यही बताता है और कहीं पर भी गॉड को थैंक्स नहीं करता है बट जो ऑथर है वो कहता है दैट ही थैंक गॉड फॉर अ लॉन्ग टाइम और विदाउट एनी रीजन वो भी हेयर ही टॉक्स अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द क्रैक्ड प्लेट बाई विच ही मीन्स हिमसेल्फब्वियसली वो अपने आपको पिछले वाले पार्ट में क्रैक्ड प्लेट के साथ कम्पेयर करते हैं क्रैक ओल्ड प्लेट जो मैंने आपको बताया था तो यहाँ पर वो उससे उसका मतलब जो है वो खुद से ही है कि मतलब मैं एक ओल्ड प्लेट की तरह क्रैक हो चुका हूँ यहाँ पर वो बताएगा कि किस तरीके से उसकी हिस्ट्री रही है फॉर वंस अ प्लेट इज क्रैकड कैन नेवर बी मिक्सड विद अदर प्लेट्स इन द डिश पैन राइट अकॉर्डिंग टू हिम शॉर्ट क्योर इज टू कंसिडर पीपल हु एंड फिजिकल सफरिंग आइडिया इज टू कंपेयर द सफरिंग ऑफ दीज पीपल विद योर ओन वो क्या कहते हैं कि अगर आप कभी भी ऐसे तर, मतलब ब्रेकडाउन से जूझ रहे हो तो आपके पास एक तरीका है इसका क्योर है वो क्या है कि आप उन पीपल के बारे में कंसिडर करो उन लोगों के बारे में कंसिडर करो जो बहुत गरीब हैं फिजिकल सफरिंग से गुजर रहे हैं जब आप उनकी सफरिंग्स के बारे में सोचोगे ना तो आपको अपनी सफरिंग्स कुछ भी नहीं लगेंगी एंड इट इज ट्रू गाइड आइडिया इज टू कंपेयर द सफरिंग ऑफ दीज पीपल विद योर ओन मिनिमाइज बाय थिंकिंग दैट देर सफरिंग इज ऑफ हायर डिग्री जैसे हम कई बार सोचते हैं यार मेरे पास ये चीज नहीं है उसके पास वो चीज है बट हमारे पास वो चीज भी है जो बहुत सारे लोगों के पास नहीं भी है तो हमें उन चीजों के बारे में सोचना चाहिए अपने से नीचे लोगों को हमेशा देखना चाहिए उनकी सफरिंग्स देखनी चाहिए तो आप हमेशा अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड हो बट अगर तो हम हमेशा अपनी लाइफ में अपने से ऊंचे लोगों को देखेंगे तो हमेशा ये रहेगा ये मेरे पास ये नहीं है मेरे पास ये नहीं है मेरे पास ये नहीं है तो हमें अपने से छोटे लोगों को भी देखना चाहिए जब भी हम इस वाले सिचुएशन में होते हैं कि ब्रेक डाउन हो जाता है पूरा उस सिचुएशन में खासकर हमें अपने नीचे लोगों को देखना चाहिए कि बहुत लोग वो भी हैं जिनके पास वो चीज़ें नहीं है जो हमारे पास हैं थ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ड्रग्स एंड एल्कोहल ठीक है इस टाइम पर जब वो ब्रेक डाउन वाले प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं ड्रग्स लेना स्टार्ट करते हैं एल्कोहल लेना स्टार्ट कर देते हैं फर्स्ट एक्सपीरियंस ट्वेंटी ईयर्स अगो डायगनिस्ड विद मलेरिया ईयर्स लेटर एन एक्सरे रिवील्ड दैट माइल्ड केस ऑफ ट्यूबर की लॉसिस नॉट सीरियस माइल्ड केस रिकवर विद इन फ्यू मंथस एंड रेडी टू गो टू कॉलेज अगैन सो पहला इनका एक्सपीरियंस होता है जब ये बीस साल के होते हैं इन्हें मलेरिया हो जाता है बट फिर जब भी अपना एक्स कराते हैं उसमें पता लगता है इन्हें ट्यूबर की लॉसेज है और जो ट्यूबर की लॉसेज है वो बड़ा माइल्ड था एक्चुअली उस टाइम पर जो ट्यूबर की लॉसीज अब तो चलो हमारे पास इसका अच्छे से मेडिसन्स आ गई हैं अच्छे से इसका इलाज है ट्रीटमेंट है बट उस टाइम पर ट्यूबर की लॉसेज बहुत ही ज़्यादा खतरनाक डिजीज थी तो उनका केस बहुत माइल्ड था और वो जल्दी ही ठीक भी हो जाते हैं और दोबारा कॉलेज जाना स्टार्ट कर देते हैं बट ही रियलाइज कॉलेज वुड नेवर बी सेम अगैन ही बिकम ही बिकेम डिप्रेस्ड सो so, यहाँ पर जब वो रियलाइज करते वापस कॉलेज जाकर कि कॉलेज लाइफ वैसी नहीं है जैसी पहले थी वो बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं रियलाइज ही हैड लॉस्ड एवरी थिंग ही वॉन्टेड टुक सॉलेस इन फीमेल कंपनी वो रियलाइज करते हैं कि मतलब कॉलेज लाइफ के बारे में क्या क्या सोचा था और वैसा नहीं हो पा रहा है ही हैड लॉस्ट एवरी थिंग ही वॉन्टेड जो चाहते थे वो सब खो गया है फीमेल कंपनी में रहना स्टार्ट करते हैं ही बिगेन राइटिंग ठीक है राइटिंग है? करते हैं फिर वो एक्सेप्टेड एंड एक्नोलॉज हिज फेलियर अपनी फेलियर्स को एक्सेप्ट करते हैं विच इज़ वेरी गुड थिंग अगर हम अपनी लाइफ में अपनी फेलियर्स को एक्सेप्ट करेंगे उनसे सीख कर आगे बढ़ेंगे तो बहुत फायदा मिलेगा बट अगर फेलियर से टूट जाओगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है ही राइट्स इफ़ यू डू नॉट गेट वाट यू लाइक यू बेटर लाइक वॉट यू गेट इस स्टोरी uh, में बड़ी अच्छी अच्छी लाइनें हैं अगर आप समझो ना तो बहुत अच्छी लाइनें हैं इफ़ यू डू नॉट गेट वाट यू लाइक अगर आपको वो चीज़ नहीं मिल रही है जो आप चाहते हो इफ़ यू डू नॉट गेट वॉट यू लाइक जो आप पाना चाहते हो वो आपको नहीं मिल रही है तो बेहतर यही है कि जो आपके पास है उसे आप पसंद करना शुरू कर दो एट डेट मोमेंट यू रियलाइज डेट हार्श एंड बेटर बिजनेस माई करियर एज लीडर ऑफ मैन वर्स ऑव ठीक है लीडर जो थी ना वो लीडर थे कॉलेज में मतलब हर चीज हर किसी को लीड करते थे एक ग्रुप फिगर रहते थे ग्रुप में सेंटर फिगर रहते थे सॉरी तो वो चीज़ अब कहीं ना कहीं खत्म हो गई है जो इन्हें बड़ी बिटर कड़वी सी लगती है दिस डिस्ट्रॉय डॉमिन सॉरी हिज सोल प्लेजर टू राइट लेटर टू अ गर्ल हुई देखो जब ये कॉलेज में एक सेंटर फिगर थे जब भी आप सेंटर फिगर होते हो आप और लोगों को डोमिनेट करते हो बट अब इनकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाती है तो इनका जो डोमिनेंस डिज़ायर थी वो भी कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई उसके बाद से इन्होंने अपने सभी जो बेड सर्वेंट इन्हें लगते थे उन्हें बाहर निकालना बंद कर दिया पहले ये जो इनके बेकार सर्वेंट्स होते थे उन्हें निकाल देते थे एंड ही बिकेम सेल्यूटेड हिज सोल प्लेजर टू राइट अ लेटर टू अ गर्ल तो अब इन्होंने राइटिंग स्टार्ट कर दी थी ये एक लड़की को लेटर लिखते थे जो कि डिफरेंट सिटी में रहती थी सो so ये इनका फर्स्ट एक्सपीरियंस हो गया कि अब ये सेंटर फिगर नहीं रहते हैं सेकेंड एक्सपीरियंस वेन अ गर्ल एंडेड हर रिलेशनशिप सो so, लड़की का चक्कर बाबू भैया बड़ा खराब होता है ठीक है ऐसा बहुत लोग कहते हैं सो सेकंड एक्सपीरियंस कब होता है इनका जब इनके साथ जिस लड़की के साथ इनका रिलेशनशिप था वो खत्म हो जाता है कि एज ही वॉज नॉट फाइनेंशियली स्टेबल सो लड़की क्या कहकर छोड़ती है कि तुम फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ सो दैट समर ही रोट अ नॉवल इंस्टेड ऑफ लेटर केम आउट फाइन सो अब इनका ब्रेकअप हो चुका है रिलेशनशिप खत्म हो चुका है लेटर किसे लिखेंगे अब ये लिखते हैं एक नॉवल वो नॉवल ठीक है चल जाती है थोड़ी बहुत एंड ईयर लेटर ही मैरिड अ गर्ल विद द मनी ही रिसीव फ्रॉम द नावल उसके एक साल बाद वो एक लड़की से शादी कर लेते हैं उसी पैसों से जो उन्होंने उस नॉवल से कमाया होता है ही डेवलप्ड एन एनिमोसिटी द लेजर क्लास एंड वंडर्ड अबाउट द सोर्स ऑफ हिस्स फ्रेंड्स मनी एग्जैक्टली ये लेजर क्लास की मतलब जो कंफर्टेबल लाइफ होती है जहाँ सब कुछ होता है उसके बारे में बड़ा सोचना स्टार्ट कर देते हैं और इनके जो फ्रेंड्स थे उनके सोर्स ऑफ इनकम के बारे में पता करता है कि भाई इनके पास इतना पैसा आता कहाँ से है नेक्स्ट सिक्सटीन ईयर्स ही लिव्ड अ लाइफ विद एनिमोसिटी टू वर्ड्स रिच ड्यूरिंग दिस पीरियड हिज प्राइड वॉज पंचर्ड एक्सपेक्टेशन थॉटेड एंड हिट हार्ड बाय द टाइम रियलाइजेशन डॉन्ट अपॉन हिम सो ही इज नो लॉन्गर यंग बट इन दीज ईयर्स ही नेवर फेल्ट डिस्करेज और इनकी लाइफ का जो सोलह साल थे वो थोड़े इस तरीके के रहे एंड उसके बाद ही रियलाइज करते हैं कि अब वो जवान नहीं रहे हैं ही इज नो लॉन्गर यंग बट इतने टाइम्स में इन सिक्सटीन ईयर्स में उन्होंने कभी भी डिस्करेजमेंट फील नहीं किया ही वॉज नेवर डिस्करेज लास्ट स्प्रिंग ही रिसीव्ड अनदर ब्लॉ दैट क्रैक हिम अप फर्स्ट ही कुड नॉट रिलेट टू इट बट ग्रेजुअली ही सो कनेक्ट दिस वॉज मोर वायलेंट देन दी अदर टू आफ्टर द इंसिडेंट ही बिकेम साइलेंट सो तीसरा जो इंसिडेंट है वो ये तुरंत रिलेट नहीं कर पाते ग्रेजुअली धीरे धीरे कनेक्ट करते हैं और ये जो था पिछले दो से बड़ा खतरनाक था ही हैड अनदर रियलाइजेशन दैट द नॉवल फॉर हिम अ मीडियम ऑफ कन्वेइंग थॉट्स एंड इमोशंस फ्रॉम वन ह्यूमन बींग टू अनदर देखो जो नॉवल्स हैं उनसे हम क्या करते हैं एक पर्सन के इमोशंस जो होते हैं थॉट्स होते हैं वो दूसरे पर्सन तक कन्वे करते हैं कि एक राइटर होता है उसने लिखा दूसरा पर्सन पढ़ रहा है उसके जो थॉट्स हैं इमोशंस हैं उन्हें पढ़ पा रहा है वॉज बिकमिंग सब ऑर्डिनेट टू अ मकैनिकल एंड कम्यूनल आर्ट अब हमारे पास स्क्रीनस आ गई है सिनेमाज आ गए हैं पढ़ना लोगों ने छोड़ दिया है रीडिंग हैबिट्स ख़त्म हो गई है मैंने पढ़ा था ये कहीं पर कि पुराने जो लोग थे जापनीज लोग वो वन बाउल नूडल्स के बदले बुक उधार लेकर पढ़ते थे सो so, मुझे ये चीज पढ़कर बड़ा अच्छा लगा बट आज के टाइम की अगर हम बात करें तो लोगों में पढ़ने की कोई जिज्ञासा ही नहीं है सब स्क्रीन पर देखना चाहते हैं हर चीज वर्ड्स वर बिकमिंग टू द इमेजेस बाय बॉलीवुड मूवीज बुक्स कोई नहीं पढ़ता बॉलीवुड मूवीज में सब कुछ देख लेंगे ठीक है तो सब ऑर्डिनेट हो गई है एक दूसरे के है ना द आइडिया ऑफ रिटन वर्ड्स बिंग ओवर शेड मूविंग इमेजेस हॉन्टेड ऑथर बट इट वॉज समथिंग ही न्यू कुड नॉट स्ट्रगल अगेंस्ट सो ऑथर को ये चीज़ बड़ी हॉरिफिक लगती है कि रिटर्न वर्ड्स की जो जगह थी वो खोती जा रही है और मूविंग इमेज ने ले ली है ही न्यू कि अभी ये चीज़ चेंज हो रही है और उसके अगेंस्ट वो कोई स्ट्रगल भी नहीं कर सकते बिकॉज उसका कोई फायदा ही नहीं है आफ्टर रीचिंग दिस स्टेट ऑफ साइलेंस अब वो इस स्टेज पर आ गए हैं कि एकदम साइलेंस हो, हो गए साइलेंट हो गए हैं कि प्रोटेस्ट करने का भी कोई फायदा नहीं है फोर्स्ड टू थिंक सो इनका थर्ड ब्रेकडाउन है मूवी वाला और स्क्रिप्ट वाला की बुक वाला मतलब साइलेंट हो जाती है पूरा दिस थिंकिंग प्रोसेस प्रूव्ड डिफिकल्ट ही वंडर्ड इफ ही हैड एवर थॉट एट ऑल ही केम टू फॉलो इंग कंक्लूजन वो सोचते हैं कि जिंदगी में कभी मैंने सोचा भी है और वो किस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं अपार्ट फ्रॉम हिज राइटिंग ही इंडल्ज इन द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग कि राइटिंग से ज़्यादा है ना हमेशा मैं थिंकिंग प्रोसेस में इंडल्ज रहा हूँ ही हैड समवन कॉल्ड एडमंड विल्सन ऑन हिज साइड अनदर मैन रिप्रेजेंटेड हि सेंस ऑफ गुड लाइफ दूसरे ही पर्सन ने उनकी सेंस ऑफ गुड लाइफ को रिप्रेजेंट किया है थर्ड मैन हैज बिन आर्टिस्टिक कंसाइंस ही डिड नॉट इमिटेटेड हि स्टाइल उनका जो स्टाइल है वो भी ऑरिजिनल नहीं है अनदर पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज रिलेशनशिप विथ पीपल कि वो विमेन उसे गाइड करती है किस तरीके का रिलेशनशिप होना चाहिए ही डिड नॉट हैव एनी पॉलिटिकल कंसाइंस कि मतलब उनकी जो खुद की चीज़ें हैं वो कहीं पर भी नहीं है ही रियलाइज दैट देर इज़ नो आई एनी मोर not नॉट हैव अ सेल्फ हर जगह कोई ना कोई कोई ना कोई कोई ना कोई है बैक में सपोर्ट करने के लिए एंड दिस ओके लास्ट में वो क्या कहकर ख़त्म करते हैं लगभग एक घंटा बीत गया और वो अपना ये पूरा ब्रेकडाउन एक्सप्लेन करते हैं और वो कहते हैं कि अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है अगर रीडर्स इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो बताओ और अगर नहीं जानना चाहते तो ज़्यादा तेज़ मत बोलना धीरे बताना सो दिस वॉज ए सेकेंड पार्ट अगर थर्ड पार्ट की बात करें

वो रियलाइज करते हैं कि पहले लोग मेरे पास आया करते थे एडवाइस के लिए आया करते थे मेरा एटीट्यूड सुनते थे मेरा लाइफ के बारे में क्या परस्पेक्टिव है वो जानना चाहते थे बट अब सब कुछ चेंज हो गया है ही थिंक्स अबाउट इट वेंट टू अ स्मॉल टाउन वे नोब इन न्यू हिम रेंट अ रूम इन चीप होटल सो देखो सेकेंड पार्ट में हमने डिस्कस कर लिया उनके क्रैप कप के बारे में थर्ड पार्ट में वो इसका सोल्यूशन कहीं ना कहीं ढूंढ रहे हैं और वो सोचते हैं इस बारे में और वो एक ऐसे टाउन में चले जाते हैं जहां पर उन्हें कोई भी नहीं जानता एक सस्ते से होटल में एक रूम रेंट पर लेते हैं किराए पर लेना ओनली पर्पज टू फाइंड हिज एटीट्यूड टूवर्ड्स ट्रेजिडी मैलन कलिक टूवर्ड्स मैलन कली ऑब्जेक्ट्स ऑफ हॉरर एग्जैक्टली ये इनके ऑब्जेक्ट्स ऑफ हॉरर हैं कि मतलब इनका जो एटीट्यूड है सैडनेस के लिए वो बिल्कुल सैड है इनका एटीट्यूड जो है वो ट्रेजेडी के लिए एकदम ट्रेजिक है के एक मैलन के लिए एकदम मैलन के लिए मैलन कैलिक है है ना तो ये इनके ऑब्जेक्ट्स ऑफ हॉरर हैं ही गिव्स एग्जांपल ऑफ सम पीपल लाइक लेनिन वैशिंगटन डिकेंस टॉल्स्टॉय दे डिड नॉट विलिंग एंड्योर द सफरिंग्स ऑफ देयर ऑब्जेक्ट डेथ ऑफ अकम्पलिशमेंट तो यहाँ पर वो कुछ लोगों के एग्जाम्पल्स देते हैं मतलब कुछ राइटर्स के एग्जाम्पल देते हैं जो कि अपने जो इनके ऑब्जेक्ट ऑफ हॉरर से उनकी सफरिंग से गुजरे एंड डेथ ऑफ अकम्पलिशमेंट्स की जो उनकी अचीवमेंट्स थी एक तरीके से उनकी डेथ हो गई है कि वो अपने ऑब्जेक्ट्स ऑफ हॉरर से कहीं ना कहीं सफर इतना ज्यादा कर गए कि ओवरकम करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कई बार एंड ही आर्ग्यूज पीपल डू नॉट गो डाउन अंग विद डेथ ऑफ़ देयर ऑब्जेक्ट्स ऑफ हॉरर वर्ड्स वर्ड एंड किट्स आर एग्जाम्पल कि मतलब देखो जो आपके ऑब्जेक्ट्स ऑफ हॉरर है वो कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक बन जाते हैं आप इतना ज्यादा सफर करते हो कि डेथ ऑफ एक्कम्प्लिशमेंट आपकी अचीवमेंट की डेथ है बट वर्ड्स और कीट्स ऐसे प्ले हैं जो कहीं ना कहीं बताते हैं कि नहीं हमें हमेशा इस चीज़ के साथ ही नहीं जाना चाहिए डो नॉट गो डाउन अलॉन्ग विद द डेथ ऑफ़ देर ऑब्जेक्ट्स ऑफ हॉरर

अब उन्हें रियलाइज हुआ कि लाइफ में उन्हें सिर्फ और सिर्फ राइटर ही बनना है एंड ही डिसाइड्स टू स्टॉप गिविंग अवे वाई रिसीविंग नथिंग इन रिटर्न पहले वो बड़ा दानी थे किसी ने कुछ मांगा चलो दे दिया चलो दे दिया नाउ ही डिसाइड्स कि अब किसी को कुछ भी नहीं देना है मुफ्त में ही वेंट होम थ्रू ऑल लेटर इन दिन समथिंग सॉरी वॉन्टेड समथिंग विदाउट ऑफरिंग एनीथिंग इन रिटर्न ठीक है अब वो घर पहुँचते ये डिसाइड कर कर कि अब मैं राइटर बनूंगा और मुफ्त में किसी को कुछ नहीं देने वाला हूँ और जब वो घर पहुँचते हैं तो उनके लिए बड़े सारे लेटर आए हुए थे क्योंकि वो तो दूसरे टाउन में गए हुए थे रेंट पर रह रहे थे चीप से होटल में सो जो लेटर इनके लिए आए थे उन्हें भी फाड़ कर डस्टबिन में फेंक देते हैं क्योंकि वो जो लेटर थे वो इनसे कुछ ना कुछ मांग रहे थे और रिटर्न में इन्हें कुछ मिल नहीं रहा था सो दिस डिसीजन हैड साइड इफेक्ट्स ही फेल्ड हिमसेल्फ विनियस लाइक man who say business is business so dekho ab इन्होंने decide तो कर लिया है कि बदले में अगर कोई कुछ नहीं दे रहा है मुझे तो मैं उसको कुछ भी नहीं दूंगा but ये इसका साइड इफेक्ट ये पड़ता है कि ये फील करते हैं कि मैं तो बड़ा विलन सा बन गया हूँ जैसे बहुत लोग होते हैं जो कुछ बिजनेस होता है उनका जो कहते हैं बिजनेस इज बिजनेस यार घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या है ना तो उस तरीके का ये फील करते हैं यहाँ पर ही कंसिडर वॉइस इज इम्पॉर्टेंट एज वेल Intends to bring sharpness, sharp bitterness in his voice exclusively for those from whom he has nothing to gain. Exactly, वो डिसाइड करते हैं कि आवाज में कड़वापन होना भी बहुत जरूरी है स्पेशली उन लोगों के लिए जो इनके किसी काम के नहीं है हमेशा आते हैं और इन्हें परेशान करते हैं कुछ ना कुछ डिमांड करते हैं of young men asking guidance unless he is rich or someone important. अब वो डिसाइड करते हैं कि किसी को भी मुफ्त में ज्ञान नहीं बांटेंगे या तो बहुत ज्यादा रिच ना हो या इनका कोई क्लोज वन ना हो इफ़ डाइंग ऑफ स्टारवेशन आउटसाइड ऑफ द विंडो हि गो स्माइल इन द वॉइस एंड विल बी अराउंड टिल समन कॉल द एम्बुलेंस कि मतलब अगर खिड़की से बाहर कोई भूखा मर भी रहा होगा बाहर चला जाऊंगा मैं हंस दूंगा बोल लूंगा बट कुछ भी उसके लिए और इससे ज्यादा नहीं करूंगा वहां खड़ा हो जाऊंगा कोई जब तक एम्बुलेंस को ना बुला दे मतलब अब वो इतना ज्यादा पत्थर दिल बनने का डिसाइड करते हैं देखो एक इंसान जब टूट जाता है ना तब वो दोबारा से भरने की कोशिश करता है तो वो गलतियां कभी नहीं करना चाहता जब वो पहले कर चुका हो फाइनली बिकम ओनली अ राइटर नॉट द मैन ही वंस वॉन्टेड टू बिकम सो फाइनली ये राइटर बन जाता है जो कि कभी बनना नहीं चाहता था सेज लेट द डॉक्टर एंड सोल्जर्स टेक डिस्ट्रेस ऑफ अदर्स राइटर डज नॉट है वो बोलता है कि डॉक्टर और सोल्जर्स का काम है दूसरों के बारे में सोचने का राइटर का इससे कोई लेना देना नहीं होता एंड हैप्पीनेस इज नेचुरल स्टेट ऑफ सेंटिनल कंसीड सॉरी स्ट्राइविंग लीड्स टू अनहैप्पीनेस एग्जैक्टली वो क्या सोचते हैं कि जो हैप्पीनेस है वो नेचुरल स्टेट है हर वक्त ज्यादा सोचेंगे ज्यादा हर चीज में इंडल्ज होंगे तो वो हमें कहीं ना कहीं अनहैप्पी कर देता है एंडस वी हैव टू लर्न टू लिव विद न्यू डिस्पेंशन टली like in in like exactly. कि मतलब लाइफ को अब अलग तरीके से जीना शुरू करो जनरली अब लोगों को वो इतना लाइक नहीं करते हैं और बदले में लोग भी उन्हें अब इतना लाइक नहीं करेंगे सो so, लास्ट में वो ये रेजोल्यूशन निकालते हैं ये सोल्यूशन निकालते हैं कि लाइफ को नए डिस्पेंशन से नए तरीके से जीना है और हर किसी के बारे में नई सोचना है सो so, ये थी संगड़ी तीनों पार्ट की सो इट इज मोर ऑफ एन स्टोरी एक्जेक्टली वो अपने खुद के बारे में बता रहे हैं अबाउट फिट फ्लॉज आइडियाज एंड रीजन फॉर हिस्स ब्रेक डाउन एंड अटर कलेब्स एग्जैक्टली फिटैर है उनका ब्रेक डाउन के रीजन क्या थे आइडियाज क्या था और किस तरीके से वो होता है नॉट ओनली रिविल्स अबाउट हिस्सा बट ऑल्सो ऑफर कुल एनालिसिस ऑफ इट एक्जेक्टली यहाँ पर फिट सिर्फ आप रिवील ही नहीं करते हैं अपने कलेब्स uh, के बारे में बट उसका एक एनालिसिस भी देते हैं तभी तो इतना ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट में ऑब्जर्व कर रहे हैं थर्ड में सोल्यूशन दे रहे हैं इट बिकम्स क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मॉडर्न राइटर्स टू अचीव सेम लेवल इन एनालाइजिंग हिज अर पर्सनल ब्रेकडाउन देखो हर कोई अपने ब्रेकडाउन को है ना डिस्कस नहीं कर पाता तो फिटजारल के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि उन्होंने इतने अच्छे तरीके से अपना जो ब्रेकडाउन है वो डिस्कस किया मॉडर्न राइटर्स के लिए ये थोड़ा डिफिकल्ट है इन इज ग्रेट गेट्स भी जे गेट्स भी ऑफन टॉक्स अबाउट हिज पास्ट ये जिनकी ग्रेट गेट्स भी उसमें जे गेट्स भी वॉज द करेक्टर जो पास्ट के बारे में काफी बातें करता है फिटजारेड डिड नॉट लाइक द आइडिया ऑफ वर्किंग फॉर हॉलीवुड एज अ स्क्रिप्ट राइटर रिस्पेक्टेड एंड चैरिड इज इंडिपेंडेंस एज अ राइटर बट ही हैड टू वर्क फॉर द इंडस्ट्री लाइक फॉकनर देखो जो फिटजारेल्ड है वो बॉलीवुड के लिए स्क्रिप्ट राइटर की तरफ काम करना पसंद नहीं करते वो चाहते थे कि इंडिपेंडेंट एक राइटर रहे बट फिर भी उन्हें इंडस्ट्री के लिए काम करना पड़ता जैसे फॉकनर के केस में था

आई do डू दिस और दैट आई this अचीव दिस और दैट एंड सो ऑन सो दो चीज़ें यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट है एक आइडिया ऑफ एज कि फ्यूचर में सब कुछ ठीक हो जाएगा और फिर आइडिया दैट आई एल डू दिस मैं ये भी कर लूँगा मैं वो भी कर लूँगा आइडिया ऑफ एम्बिशन आइडिया ऑफ़ एज एंड आइडिया ऑफ एम्बिशन ये दोनों यहाँ पर देखने लायक चीज़ें हैं आइडिया ऑफ बींग अलोन इज ए सेंट्रल टू फिट जारल पीस अलॉन रहने की यहाँ पर हमने देखा है एक थीम भी कह सकते हो आप इसको कि मतलब वो बाद में जाकर डिसाइड करते हैं कि अकेला रहना ही बेहतर है

सॉरी हीज एल्कोहलिज्म अनहैप्पी एंड अनसेटिसफाइंग कमर्शियलाइजेशन ऑफ राइटिंग नॉट वेरी सक्सेसफुल करियर ऑफ अ राइटर फाइनेंशियल ट्रबल्स वाइफ ऑफ इलनेस ऑल पुटम इन दिस स्टेट सो कोई एक कारण नहीं है काफी सारे कारण है उनके क्रैकअप के कि मतलब एक तो करियर में वो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं एज अ राइटर देन उनका जो राइटिंग करियर था उसमें कहीं ना कहीं अनसेटिस्फाइंग कमर्शलाइजेशन है एल्कोहलिज्म की आदत पड़ जाती है फाइनेंशियल ट्रबल्स है वाइफ इलनेस ये सारे जो बातें हैं ये सारी कुछ ऐसी चीजें हैं जो उनके इस स्टेट के लिए जिम्मेदार है थर्ड पार्ट ऑफ द एसटे मोर अबाउट फाइंडिंग आंसर एंड सोल्यूशन तीसरे पार्ट में वो कहीं ना कहीं इसका रेजोल्यूशन एक सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं एंड फाइनल सोल्यूशन ऑफ द क्रैकअप स्टेट इज द रिजल्ट ऑफ डिमांडिंग लाइफ कि वो लास्ट में जाकर क्या देखते हैं कि जो एक क्रैकअप स्टेट है ना ये डिमांडिंग लाइफ का रिजल्ट है हम हमेशा लाइफ से डिमांड करते हैं ये चाहिए ये चाहिए डिमांडिंग लाइफ का रिजल्ट है एंड गाइज दिस एस एज स्टिल रेलिवेंट टूडे कई सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं वो ऐसी है आज भी हमारी लाइफ में रेलिवेंट है जैसे इफ़ यू डू नॉट गेट वॉट यू लाइक देन इट बेटर टू लाइक वॉट यू हैव है ना एक तो ये बात थी और, और भी कई सारी बातें थी जो मैंने आपको भी ऊपर बताई हैं सो दिस वॉज दी एनालिसिस और गाइज देखो ये जो क्रैकअप uh, स्टोरी uh, है ये बहुत ही रिलेवेंट है आज के टाइम में बहुत ज्यादा रिलेवेंट है इनफैक्ट और हो सकता है इस पे क्वेश्चन भी आ जाए कि आप क्या सोचते हो कि क्रैकअप जो है वो आज के टाइम में किस तरीके से रेलिवेंट है सो so, आज भी हमारे टाइम में कई सारे ऐसे इंसिडेंट्स आते हैं जब हम कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाते हैं दूसरों की हेल्प कर करके हम अपने बारे में कभी सोचते ही नहीं हैं सो so, ये सारी ऐसी चीजें हैं उनका वर्क था कि वो बुक्स लिखते थे बट अब मूवीज आ गई हैं उनका जो काम था उसके सब ऑर्डिनेट बन चुकी हैं मूवीज सो so, ये कुछ ऐसी चीजें हैं अगर थीम्स की बात करें देखो थीम्स आपको इसमें बहुत सारी मिल जाएंगी बट मैंने यहाँ पर दो ही लिखी हैं रियलाइजेशन सॉरी रिलेशन बिटवीन बींग अलॉन एंड अवॉइड अदर्स डिस एंड रियलाइजेशन क्रैकअप भी थीम हो सकती है सो दीज आर द थीम्स एंड गाइज मैंने बहुत जल्दी जल्दी इसको पढ़कर आपको एक्सप्लेन किया है सो so, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और इसके बाद भी फ्यू गाइज आर हैविंग एनी डाउट या चाहते किसी और नावल स्टोरी के बारे में डिस्कस करें देन डू लेट मी नो इन दमेंट बॉक्स आल्सो Instagram, Facebook page, and WhatsApp. I'll give the link of all the three in the description box. So do follow me on Instagram and also on my Facebook page. और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें कमेंट करके बताएं कैसी लगी अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू